नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रविशर YouTube पर। दोस्तों मैं आपके लिए 500 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चंस करवा रहा था उसका पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूं। आपको मैं हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। फ्रेंड्स मैं आपको ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने ये सारे क्वेश्चन और ये सारे पार्ट कर लिए एग्रीकल्चर जीके के एग्जाम में, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेकर आया हूं जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप सारे पार्ट और ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद विच रेवोल्यूशन। जो ग्रे रेवोल्यूशन है वो किस रेवोल्यूशन से रिलेटेड है? आंसर है इसका फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन। जो रेवोल्यूशन होता है इसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रांति। और फ्रेंड्स ये जो रेवोल्यूशन वाले क्वेश्चन हैं एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछ लेंगे जो व्हाइट रेवोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है मिल्क से रिलेटेड है। आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि जो राउंड रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर है पोटैटो से रिलेटेड है। आपसे फ्रेंड्स एग्जाम में ये पूछा जाएगा जो गोल्डन रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स का आंसर है ये हनी और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। आपसे फ्रेंड्स ये पूछ लेंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, इसका आंसर है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड है। आपसे फ्रेंड्स ये पूछ लेंगे कि जो पिंक रेवोल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है, तो फ्रेंड्स का आंसर है ये ओनियन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट है यहां पे मैं आपके लिख देता हूं। फ्रेंड्स इस पे काफी ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहां पे लिख दिया है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बाकी मैं आपको अगली वीडियोस में करवाता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया। ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया के पिता किन्हें माना जाता है? सही आंसर है इसका अरुण कृष्णन को। और फ्रेंड्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किन्हें माना जाता है, तो फ्रेंड्स का आंसर है MS स्वामीनाथन। आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, तो फ्रेंड्स का आंसर है नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। कॉटन की खेती के लिए कौन से टाइप का सॉइल सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है? आंसर है इसका ब्लैक सॉइल। और फ्रेंड्स जो ब्लैक सॉइल होता है इसको हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ ये। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो विद राइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मैंगो की खेती साथ में राइस के साथ जो हम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो आंसर है इसका एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रोफॉरेस्ट्री होता है फ्रेंड्स कल्टीवेशन ऑफ मैंगो विद राइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। इन इंडिया आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स एग्रीकल्चर सेंसस कंडक्टेड। कितने सालों बाद भारत में जो एग्रीकल्चर सेंसस होता है वो होता है, तो फ्रेंड्स आंसर है इसका आफ्टर 5 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, विच टाइप ऑफ सॉइल इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। वह कौन से टाइप का सॉइल है जिसमें कि ऑर्गेनिक का कॉन्टेंट यानी ऑर्गेनिक मैटर का कॉन्टेंट सबसे ज्यादा होता है, तो फ्रेंड्स आंसर इसका पैटी सॉइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं इस वीडियो में मैं आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर जीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा। जब आपके ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे एग्रीकल्चर जीके के, आपको मैं यही 20 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा इसी वीडियो में, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए, क्लियर हो जाए और याद हो जाए इसी वीडियो में। और वीडियो के एंड में मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है। इससे आपकी नॉलेज चेक हो जाएगी और जो मैंने आपको पढ़ाया है वो रिवाइज भी हो जाएगा। फ्रेंड्स कहने के लिए तो ये 20 क्वेश्चंस हैं, पर जितनी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 50 से ज्यादा बनते हैं। और फ्रेंड्स आपके लिए सारे के सारे क्वेश्चन और एडिशनल इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर इज रिलेटेड विद सिल्क। एग्रीकल्चर का वह कौन सा ब्रांच है जो कि सिल्क से रिलेटेड है? आंसर है इसका सेरिकल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ सॉइल हैविंग पीएच 6.0 देन इट्स नेचर इज। फ्रेंड्स अगर कोई सॉइल है मतलब कोई मिट्टी है उसका पीएच अगर 6.0 है तो उसका नेचर कैसा होगा, तो फ्रेंड्स आंसर इसका एसिडिक नेचर होगा। फ्रेंड्स अगर हम बात करें पीएच की, इसका जो फुल फॉर्म है फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। मैं यहां पे आपके लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं पीएच स्केल की। फ्रेंड्स पीएच स्केल एक स्केल होता है जिससे कि हम ये पता करते हैं कि कोई भी जो चीज है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सबसे पहले बताता हूं पीएच स्केल बना के। फ्रेंड्स पीएच स्केल कुछ इस तरह का होता है, इसमें जो फ्रेंड्स रीडिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, मैक्सिमम 14 तक जाती है। फ्रेंड्स जो बीच में आता है 7 नंबर, 7 नंबर शो करता है न्यूट्रल को। फ्रेंड्स कभी भी अगर हम 7 के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे मतलब 0 की तरफ जाएंगे वो एसिडिक शो करेगा, अगर हम 7 के राइट हैंड साइड मतलब 14 की तरफ जाएंगे फ्रेंड्स वो बेसिक शो करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा था पीएच 6.0, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब ये एसिडिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस। भारत का वह कौन सा राज्य है जो कि चावल की प्रोडक्शन में सबसे आगे है, तो आंसर है इसका वेस्ट बंगाल। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की,
वेस्ट बंगाल फ्रेंड्स एक ईस्टर्न स्टेट है और इसकी जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है कोलकाता। यहाँ पे लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10, साइंस ऑफ मलबेरी कल्टीवेशन फॉर सिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड। फ्रेंड्स जो मलबेरी कल्टीवेशन की जो साइंस होती है जिसमें कि हम सिल्क की प्रोडक्शन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, तो फ्रेंड्स आंसर इसका मॉरी कल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉरी कल्चर है फ्रेंड्स साइंस ऑफ मलबेरी कल्टीवेशन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ क्रॉप रोटेशन, जो क्रॉप रोटेशन होता है उसका मेन बेनिफिट क्या होता है, तो फ्रेंड्स आंसर इसका एलिमिनेट पैरासाइट्स विच हैव सेलेक्टिव होस्ट, मतलब फ्रेंड्स ये जो पैरासाइट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए हम क्रॉप रोटेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ राइस इज आल्सो नोन एज एनरिच राइस, राइस का वह कौन सा टाइप है जिसे कि हम एनरिच राइस के नाम से भी जानते हैं, आंसर इसका ब्राउन राइस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, विच माइक्रोन्यूट्रिएंट इज मोस्ट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ, वह कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंसर है इसका बोरोन। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें बोरोन की, बोरोन का सिंबल होता है फ्रेंड्स बी, जो फ्रेंड्स बोरोन है इसका जो फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है फ्रेंड्स वो होता है 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था कि 1 से लेकर 20 तक आपको सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए फ्रेंड्स। जैसे कि नंबर 1 पे हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, फिर लिथियम आता है, फिर बेरिलियम आता है, फिर बोरोन आता है, फिर कार्बन आता है, फिर नाइट्रोजन आता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर नोनियम नियोन आता है, फिर सोडियम आता है, फिर मैग्नीशियम आता है, मतलब फ्रेंड्स आपको 20 तक याद होने चाहिए फ्रेंड्स। मुझे 118 जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में मुझे स्टार्टिंग से 118 तक याद है। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, हु स्टार्टेड द बोडन एंड ग्रामडन मूवमेंट, वह कौन थे जिन्होंने कि बोडन एंड ग्रामडन मूवमेंट को स्टार्ट किया था, तो फ्रेंड्स आंसर इसका विनोद भावे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, नेम द क्रॉप विच हैज वैरायटी जल लहरी, वह कौन सा क्रॉप है जिसकी वैरायटी जल लहरी है, तो फ्रेंड्स आंसर इसका पैडी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मिलेट इन एग्रीकल्चर कॉल्ड एज, एग्रीकल्चर में जो मिलेट होता है उसका मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स आंसर इसका स्मॉल सीडेड ग्रास। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR इज लोकेटेड, फ्रेंड्स जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसे कि हम ICAR बोलते हैं वो कहां पर है, तो फ्रेंड्स आंसर इसका भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 18, सोयाबीन इज विच टाइप ऑफ क्रॉप, फ्रेंड्स जो सोयाबीन है वो किस टाइप का क्रॉप है, आंसर इसका ऑयल सीड क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 19, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, फ्रेंड्स जो फ्लावर होता है उसकी जो खेती होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आंसर है इसका फ्लोरी कल्चर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं और ये आखिरी क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, नेम द कंट्री विच इंट्रोड्यूस फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस, वह दुनिया का पहला कौन सा देश था जिसने की फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस इंट्रोड्यूस किया था, तो फ्रेंड्स आंसर है इसका चाइना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो चाइना है इसकी जो राजधानी है फ्रेंड्स वो है बीजिंग। फ्रेंड्स मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब मैं आपको 20 क्वेश्चंस करवा दूंगा उसके बाद मैं आपको यही 20 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएं और याद हो जाएं इसी वीडियो में। और वीडियो के एंड में मैंने आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है फ्रेंड्स, टेस्ट मैं आपसे बाद में लूंगा, बट जो मैंने आपको 20 क्वेश्चन अभी पढ़ाए हैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। फ्रेंड्स सबसे आसान तरीका है जीके को याद करने का। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाए। रिवाइज कर लेते हैं अब सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, ग्रे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद विच रेवोल्यूशन, राइट आंसर इज फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया, राइट आंसर इज अरुण कृष्णन। क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ सॉइल इज मोस्ट बेनिफिशियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन, राइट आंसर इज ब्लैक सॉइल। क्वेश्चन नंबर 4, कल्टीवेशन ऑफ मैंगो विद राइस इज एन एग्जांपल ऑफ, राइट आंसर इज एग्रोफॉरेस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 5, इन इंडिया After how many years agriculture census conducted? Right answer is 5 years. Question number 6, which type of soil is rich in organic matter? Right answer is paddy soil. Question number 7, which branch of agriculture is related with silk? Right answer is sericulture. Question number 8, if soil having pH 6.0 then it is nature is, right answer is acidic nature. Question number 9, which state of India is leading producer of rice? Right answer is West Bengal. Question number 10, science of mulberry cultivation for silk production is called, right answer is moriculture. Question number 11, what is the main benefit of crop rotation? Right answer is eliminate parasites which have selective hosts. Question number 12, which type of rice is also known as enriched rice? Right answer is brown rice. Question number 13, which micronutrient is most essential for plant growth? Right answer is boron. Question number 14, who started the Bhudan and Gramdan movement? Right answer is Vinod Bhave. Question number 15, name the crop which has variety Jal Lahri? Right answer is paddy.
क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मिलेट इन एग्रीकल्चर कॉल्ड एज? राइट आंसर इज स्मॉल सीडेड ग्रासेस. क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR इज लोकेटेड? राइट आंसर इज न्यू दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 18, सोयाबीन इज विच टाइप ऑफ क्रॉप? राइट आंसर इज ऑयल सीड क्रॉप. क्वेश्चन नंबर 19, कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड? राइट आंसर इज फ्लोरिकल्चर. एंड आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20, नेम द कंट्री विच इंट्रोड्यूस फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी ऑफ राइस? राइट आंसर इज चाइना. फ्रेंड्स, मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए, उसके बाद मैंने आपको यही 20 क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज भी करवा दिया. उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ भी आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे इसी वीडियो में. मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, जब मैं आपको 20 क्वेश्चन करवा दूंगा, रिवाइज भी करवा दूंगा, उसके बाद दो क्वेश्चन का टेस्ट रखा है, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है. फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया? ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको, MS स्वामीनाथन. सेकेंड ऑप्शन आपको मैं दे देता हूँ, अरुण कृष्णन. क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ राइस इज आल्सो नोन एज एनरिच्ड राइस? ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, ब्राउन राइस. सेकंड ऑप्शन को भी देता हूं, ब्लैक राइस. फ्रेंड्स, दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट करके जरूर देना है. उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई. अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपके फोन पर मिल जाए. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाती है, मैथ्स की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीके की, बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल की. मतलब फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हो, आपको किसी भी कोचिंग सेंटर को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मतलब फ्रेंड्स, वो सब कुछ पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. तो फ्रेंड्स, आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है फ्रेंड जो किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, आप उसके साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करिए ताकि फ्रेंड्स उनको भी इस वीडियो से काफी ज्यादा हेल्प मिल जाए. तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट.